रापर नगरपालिका द्वारा मार्गनु रिफ्रेशमेंट शुरू करवामां आव्युं। रापर एरिया डेवलपमेंट ऑथोरिटी हेठळ आवता रिलायंस पेट्रोल पंप थी प्रागपर चोकड़ी सुधीना मार्ग पर रापर नगरपालिका ने सोंपवामां आव्यो हतो। ते मार्ग वरसाद में नुकसान थयेल आ डामर रोड नुं योग्य मरामत साथे काम शुरू करवामां आव्युं छे। अंबावी बाविया रामजीभाई पिराणा ने हाथे श्रीफळ वधीरी ने आ खातमुहूर्त करवामां आव्युं हतुं। कामनुं वालजीभाई वाविया भीखूभाई सोढा नीलेशभाई माली शहर भाजप प्रमुख उमेशभाई सोनी महामंत्री लालजीभाई कारोत्रा बळवंतभाई ठक्कर प्रदीपसिंह सोढा राजूभाई चौधरी पूंजाभाई चौधरी राजूभाई पिराणा इन्चार्ज चीफ ऑफिसर नवगणभाई कड एकाउंटंट महेशभाई सुतार तथा प्रसंगे अन्य आगेवानो मोटी संख्या में उपस्थित रहता। आम रापर नगरपालिका द्वारा मार्गों रिफ्रेशमेंट शुरू करवामां आव्युं छे। कच्छ जिल्लाना रापर तालुकामां आ वर्षे कपासनुं मबलक उत्पादन थशे। वर्षे तो वागळ बलो कहेवत अनुसार आ वर्षे मेघराजे वागळ पंथकमां मन मूकीने मेहर करी जगतना तातने खुश खुशाल कर दीधो कुदरते। त्यारे आ वर्षे रापर तालुकामां 9,465 हेक्टरमां बीटी कपास अने शंकर कपासनुं वावेतर थयुं छे। हाल रापर तालुकाना जुदा जुदा विस्तारोमांथी 15 जेटला कपासना वेपारीओ परंतु रापर तालुका में 80% जेटलो कपास खरीदी करता व्यापारी वसंतभाई दयाराम ठक्कर के जो वागड़ विस्तार में उत्पादन करता खेडूतों कपासनी खरीदी करी रहा है। एक मुलाकात में वसंतभाई ठक्करे जणाव्यु कि आ वर्षे मेघराजा की मेहर थी चौमासु पाक में 9,000 थी वधु हेक्टर में कपासनु वावेतर करवामां आव्युं छे। जेमा एक हेक्टर में 20 किलोना मणना हिसाबे 250 मण उत्पादन थशे ने आ वर्षे बीटी कपासना 20 किलोना भाव 1720 थी लई 1790 छे तो शंकर कपासनो भाव 20 किलोनो भाव 1625 थी लईने 1650 ने आसपास छे। आम आ वर्षे वागड़ विस्तारमां कपासनो मबलक उत्पादन थशे खेडूत अने वेपारीओ जणावी रह्या छे। रापर तालुकामां आ वर्षे सारा वरसादने हिसाबे बीटीनुं वावेतर બહુ સારું થયું છે। 9,465 હેક્ટરમાં બીટીનું વાવેતર થયું છે। રાપર તાલુકાનો હું કપાસનો મોટો વેપારી છું પણ કપાસ બહુ આ વખતે સારો છે અને એમાં ખાસ કરીને બીટી કપાસ બહુ સારી રીતે અહીંયા વાવેતર થયું છે અને ખેડૂતોને ભાવ પણ સારા મળી રહ્યા છે। અહીંયા 20 કિલોના 1700-1800 રૂપિયાના ભાવે બીટીની ખરીદી કરી છે, ખેડૂતોને ઉત્તમ ભાવ મળી રહ્યા છે અને બીટીનું વાવેતર પણ રાપર એરિયામાં આ વખતે બહુ સારું થયું છે। 9,465 હેક્ટરમાં બીટીનું વાવેતર થયું છે એટલે ખેડૂતો ખુશખુશાલ છે।